नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। खबर बरेली से, अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला के निर्देशन में बरेली पुलिस ने छापामारी कार्रवाई करते हुए सट्टा पर्ची और 16,000 रुपए की नगद राशि के साथ 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा सटोरियों के यहाँ अचानक की गई छापामारी कार्रवाई से सटोरियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि विगत दिनों नगर में सटोरियों द्वारा खुलेआम सट्टा पर्ची लिखने और लेन देन की बात करने संबंधी एक वीडियो वायरल होने के बाद अचानक बरेली पुलिस का जमीर जाग उठा। मुखबिर द्वारा सूचना मिलती ही बरेली थाना प्रभारी मनोज दुबे ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर सट्टा पर्ची लीड और नगद राशि के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया। बरेली के ठाकुर मोहल्ले में सट्टा पर्ची और नगद राशि के साथ सटोरियों को पकड़ने में थाना प्रभारी मनोज दुबे, उपनिरीक्षक सुनंदा खरे, रमेश खंडागरे, मोहन यादव, रवि पवार, अशोक चौबे, अमोल विकास तिवारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजधानी समाचार के लिए बरेली से गोरेलाल पाल की रिपोर्ट। आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति ठाकुर मोहल्ला बरेली में सट्टा खिलवा रहे हैं, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी महोदय के हमराह होकर ठाकुर मोहल्ला पहुंचे। यहाँ पे बबलू ठाकुर की दीवार के पास कुछ व्यक्ति सट्टा खिलवा रहे थे, जिनको हमारा स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा, जिनके अलग अलग जामा तलाशी ली, जिनके पास से कुल 16,000 रुपये और सभी से एक एक लीड पेन और जब्ती पर्ची, सट्टा पर्ची भी जब्त, सट्टा पर्ची जब्त की। ये कहाँ कहाँ के हैं कुछ पता है क्या? ये अलग अलग जगह के हैं, कुल 11 लोग हैं जिनके पास से 16,000 रुपए जब्त किए हैं। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.